जय माता दी, मैं हूँ भारती कौल। द राइट कॉन्वर्सेशन में हमने आज इनवाइट किया है सुनीता ठुसुक जी को, जो कि एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हैं। शी इज अ प्लानर, मेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सेवन सीज। तो सुनीता जी, आपका स्वागत है द राइट कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू भारती मैम, थैंक यू सो मच आपका भी। एंड सबसे पहले मैं TRN न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि मैं कुछ शेयर करूं अबाउट द करियर प्लानिंग एंड करियर काउंसलिंग विद यू, सो दैट वो हम एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाए एंड विच कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली दैट इज द आइडिया सुनीता जी, बिकॉज सो मेनी पीपल दीज डेज आर सफरर्स and counseling, career counseling and motivational counseling, what does it mean actually? I want that people should know about it. बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है भारती जी आपने। इट्स रियली समथिंग वी शुड एक्चुअली डिस्कस एट होम, बच्चों के साथ डिस्कस करना जरूरी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ जरूरी डिस्कस करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बट एट द सेम टाइम बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेजेंट जनरेशन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एज वेल। सबसे पहले करियर प्लानिंग की अगर हम बात करें, करियर प्लानिंग इज जो कि हमें बिल्कुल फोकस्ड रहना पड़ेगा क्लास 8 से बच्चे को, what is my career plan, how do I need to plan my career, am I really fit for it, what are the do's and don'ts I need to, and that could be possible only when the students talk about this with their parents. Parents need to understand this concept, जो कि अभी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल कम है, इंडिया में ही बहुत कम है, but जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना जरूरी है, व्हाट इज देयर किड फिट फॉर, एक्चुअली वो किस एक जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आते हैं, किस सांचे में वो फिट हो सकता है। एवरीबडी कैन नॉट बी यू नो ड्रॉप्ड इनटू एनीथिंग एंड देन वो उसमें मिक्स हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं एक चीज बताऊं आपको कि अभी तो हमारी इवन द एजुकेशनल पॉलिसी हैज चेंज्ड, नाउ द चिल्ड्रन कैन चूज फ्रॉम क्लास 8, दे कैन आफ्टर क्लास 8 दे कैन चूज देयर सब्जेक्ट्स, दे कैन चूज एंड दे कैन पुट देयर यू नो चैनलाइज देयर स्टडीज। एब्सोल्युटली मैम, बहुत सही है, बट वो एजुकेशनल पॉलिसी जो आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एग्जैक्टली, पेरेंट्स हैव टू, बात वही पे है जो पहले मैं आपको अभी बता रही थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड what their child can do better, and none other than parents can know the best in their child. Secondly, we were talking about motivational session. Motivational sessions of course are very important at every step for a child. उसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो है वो पेरेंट ही दे सकता है। Yes, of course हमारा रोल भी है उसमें, मेजर रोल है, बट देन बिगिनिंग जो है वो पेरेंट की ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए। मैम वो करनी पड़ती है, दैट्स व्हाट वी डू, वी डोंट काउंसल स्टूडेंट्स अलोन, क्योंकि करियर प्लानिंग और करियर काउंसलिंग जो हम करते हैं, दैट्स नॉट डन अलोन टू अ चाइल्ड, टू अ स्टूडेंट। नो डाउट वी गो टू स्कूल्स, टॉक अबाउट करियर प्लानिंग, करियर काउंसलिंग एंड ऑल, बट वन, इट्स नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल, इट हैज टू बी कंटिन्यूड, देयर हैज टू हैव 3 or 4 सेशंस अ ईयर जहां पे बच्चा समझ पाएगा यस दिस इज माय करियर। उसके बाद उसको फोकस्ड कैसे रहना अपने गोल पे, अगेन दैट कम्स अ मेजर प्रायोरिटी फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। नहीं तो आज उसने करियर प्लानिंग कर लिया, करियर काउंसलिंग कर दिया, डाउन द लाइन ही गेट्स डिमोटिवेटेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच एक्चुअली डिमोटिवेट अ चाइल्ड ड्यूरिंग दिस यू नो ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टेन्योर, बट टाइम टू टाइम अगेन काउंसलिंग एंड प्लानिंग हेल्प्स देम, बट नॉट विदाउट द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। Now you tell me, like you said, ki not without the support of parents. If it starts from school, that means career counselor has to be in the school. Ma'am, it is, I think it was 2015, jab CBSC ne ek rule, inhone ek notification nikala that every school run under CBSC has to have a career counselor in their school.
बट अनफॉर्चुनेटली वो कितना फॉलो हुआ कितना नहीं हुआ आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑन दैट साइड, बट येस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. मैं नॉन सीबीएसई स्कूल्स में भी जाती हूँ करियर काउंसलिंग के लिए, सीबीएसई स्कूल्स में भी जाती हूँ. यहाँ पे वॉट हैपन्स इज अगेन मेजर चैलेंज फॉर अस इज कि कभी स्कूल्स अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें सेशन करने के लिए, कभी नहीं देते हैं. नाउ देयर इज अ थ्रेट काइंड ऑफ फॉर स्कूल्स, बट अगेन दे शुड अंडरस्टैंड दे आर एजुकेटर्स. इफ आई टॉक ऑफ मी एज एन एजुकेटर, आई फील मुझे बायस्ड नहीं होना चाहिए. स्कूल समटाइम्स बिकम बायस्ड, दे फील लाइक अगर तो हमने करियर काउंसलिंग को अपने स्कूल में आने दिया, इफ आई एम रनिंग थ्री यू नो स्ट्रीम्स इन माई स्कूल, इफ द चाइल्ड चूजेस फोर्थ वन वॉट विल हैपन. बट एट द सेम टाइम एक स्कूल जो रन करते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू यू नो इंट्रोड्यूस फोर्थ चैनल एज वेल, फोर्थ स्ट्रीम एज वेल. बट फॉर ए चाइल्ड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ करियर काउंसलिंग इन स्कूल एज वेल. अब नाउ these kind of challenges used to come across and then we thought ki nahi, it's not the sufficient you know work, hard work we are doing, we need to reach parents basically, that's more important. Exactly. Now later on the child decides what to stream, choose what not to choose, that is a lateral part, but pehla jo hai hamara we try ki hum parents tak pahunche aur unko samjhaye why career counseling is important for your child, why career planning is important for child, because अगर वो ये अभी से एट क्लास से ही पेरेंट नहीं समझेगा, आप देखिए डाउन द लाइन क्या होता है, बच्चे ने कोई भी एक्स वाई जी कोर्स चूज कर लिया, ही कम्स ही पासेस आउट फ्रॉम द कॉलेज. मुझे जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे यूथ इस चीज से सहमत होगा कि दे वर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ यू नो अपॉर्चुनिटी एट देयर टाइम, तो मे बी अभी जो वो फेस कर रहे हैं वो उनको फेस ना करना पड़ता. बट देन अगेन आई वुड लाइक टू रीच दोज पीपल एंड टेल देम कि अगर आपके टाइम पे नहीं हुआ, जो भी आपके आसपास में है एटलीस्ट उनके साथ शेयर करिए आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, आपके जो स्ट्रगल थी, वो आगे ना हो. एक चीज, एक और बात है, जैसे आप करियर काउंसलर है, वॉट ऑल एजुकेशन डू यू नीड फॉर यू नो खुद आपको एक काउंसलर बनने के लिए? आपकी क्वालिफिकेशन के बारे मैंने बताया नहीं, पूछा नहीं, आप प्लीज बताइए. मैम देखिए, सबसे पहले तो एज एन करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ मेंटर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आई माई सेल्फ नीड टू बी मोटिवेटेड एंड यू नो फोकस्ड, देन ओनली आई विल बी एबल टू यू नो वो गांधी जी वाली कहावत गांधी जी वाली कहावत वो चीनी वाली बहुत सारे लोगों ने सुनी है, सम मदर एक माँ उनके पास गई, मेरा बच्चा चीनी नहीं छोड़ रहा. तो ही डिडंट गिव एनी सोल्यूशन एट दिस स्पॉट, ही सेड कम आफ्टर 3 डेज. 3 दिन के बाद आके उसको सिर्फ इतना बोला, बच्चे चीनी मत खाना. तो माता जी ने पूछा, आप ये 3 दिन पहले भी बोल सकते? बोले नहीं, तब तक तो मैं भी चीनी खाता था, 3 दिन तक भी मैंने. सो सेम स्ट्रेटेजी is involved in our you know profession. Unless and until we are not motivated and you know focused, main ek bacche ko ye nahi bol sakti how to be focused. Rahi baat hamari qualifications ki, I have done MI from Calcutta University. After that I did certain computer related courses and all. After that when I jumped into this, because I always used to feel like mere ko nahi pata tha mere time pe mujhe kya karna hai. AMI was never a fit you know stream for me. I've done AMI, which is equivalent to BE, but then I was never interested in that subject, to be very honest. Why? The reason, ab aapne aaj pooch liya, toh let me, you know, open my heart, why? I was never interested in doing that subject, but recently migration hui thi, toh options ka pata hi nahi tha. We were always like, nahi, abhi parents ko tang nahi kar sakte hain, kya karein, kuch toh karna hai, graduation karni hai, so let's do it. But yes, I know the hardships I faced during that period, during the completion of my degree, it was really very hard, क्योंकि नई नई migration हुई थी, हमको पता ही नहीं था करना क्या है, कहाँ जाना है, we were thrown like a ball, कभी women college जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी parade college जाओ, तो पता तो था नहीं admissions का कुछ. Somehow somebody told my father कि आप इसको AMI करवा दो, मुझे तो खुद पता भी नहीं था full form क्या है. So I jumped into it because my parents chose this for me. I don't say they did anything wrong. कोई भी parent अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करता, बट देन समय के साथ साथ अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आते हैं जिससे हमारे बच्चे का आगे करियर बहुत अच्छा बनेगा, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन.
व्हाट्स गुड फॉर देम, बिकॉज एक ये डिसीजन हमारे आगे के 40 या 50 साल डिसाइड करते हैं. एनी कैंडिडेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट माई अदर डिग्री, दैट इज आई हैव डन डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन. तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वो मैं नहीं करती तो मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर नहीं बन सकती थी. देन कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाई पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन, बिकॉज अभी देखिए आप लेटेस्ट सर्वे जो है, वन दे से लेटेस्ट सर्वे डन बाय नेस्कॉम सेज 90% ऑफ आवर ग्रेजुएट्स आर नॉट केपेबल ऑफ जॉब्स, व्हिच इज रियली वेरी स्केरी. एवरीवन नीड्स टू थिंक अबाउट इट. दे आर सिंपली अनएम्प्लॉयबल. व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया एनी एक्स वाई जेड कोर्स में, बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दे आर नॉट स्किल्ड. They don't have that capability so that they can get fitted into their particular stream. Right. And corporates nowadays are looking for all-rounders. पहले होता था मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, आई एम एन इंजीनियर एंड देन ठीक है मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी. आज की डेट में हम डॉक्टर्स का प्रोफेशन कितना ही ज्यादा वो मानते हैं, बट एक डॉक्टर जब क्लिनिक खोलता है उसको चपरासी का काम भी खुद करना पड़ता है, एक डॉक्टर का काम भी खुद करना पड़ता है, एक जो है नर्स का काम भी खुद करना पड़ता है बिगिनिंग में, बिकॉज अभी आज की डेट में चैलेंजेस आर फॉर एवरी प्रोफेशन. तो बाकी प्रोफेशंस की तो बात ही नहीं है. सो वी आर लुकिंग फॉर ऑल राउंडर्स. ए चाइल्ड नीड्स टू बी एन ऑल राउंडर. दैट इज वॉट अ चाइल्ड पेरेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड. तब जाके उसके आगे जो 50 साल है लाइफ के वो स्मूथ चलेंगे. एक चीज है कि पेरेंट्स की सुनते हैं क्या बच्चे? मैम देखिए यहाँ पे पेरेंट्स को एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करना है. समय बदल गया है, देयर इज अ जनरेशन गैप. एट टाइम्स यस आई आल्सो एज अ पेरेंट फील लाइक नहीं बच्चे सुनते नहीं है, बट देन एट द सेम टाइम वी एज अ पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ जनरेशन गैप एंड टाइम चेंज हो गया. ग्लोबलाइजेशन हो गई, मीडिया आ गया, नेट आ गया, हमारे बच्चे को आज की डेट में सब पता है. हमारे को तो अभी भी हमारे राइट्स के बारे में पता नहीं है, बट आवर चिल्ड्रन नो एवरीथिंग. सी सुनीता जी, दैट इज द प्रॉब्लम. दे नो एवरीथिंग एंड दे डोंट लिसन टू यू. वन थिंग इज फॉर श्योर दैट अ पर्सन, अ बॉय हु इज जस्ट नाउ फिनिश्ड हिज क्लास 12 एंड ही इज चूजिंग अ स्ट्रीम एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू व्हाट द पेरेंट्स आर टेलिंग हिम. ही सेज आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी, आई विल डू दैट. Shortcomings you said, parents only know about their children, on their shortcomings their parents know, but they try to, you know, it not happening. I have seen it so many children, it's not happening. And where does the counselor help there? And that is the biggest challenge we are facing this time. Usme dekhiye kahin na kahin it is from the beginning we need to understand. Jo parents abhi budding parents hai unko ye ek main इस माध्यम के थ्रू बताना चाहूंगी कि अगर हमारा बच्चा एक मांगता है हम दो देते हैं ना. मी एज अ पेरेंट माइट हैव डन दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स मेनी अ टाइम्स, बट देन एट द सेम टाइम जितना हम बच्चे को शुरू से समझ के एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे उतना हम बच्चे को अपने साथ में मिला के उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे. आई नो अभी अभी एक हमारे यहाँ पे रिसेंटली एक हमारा कश्मीरी पंडित बच्चे की डेथ हुई है. ही वेंट टू अखनूर विद हिज फ्रेंड्स, आई बिलीव एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. वो गया, उसने अपने पेरेंट्स को बोला मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. इवन उनको तो पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ. जब बात आई कि वो स्लिप हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ दैट गॉड नोस, बट देन पेरेंट ने अपना बच्चा खोया, उनके लिए तो लाइफ खत्म हो गई. यहाँ पे यस ऑफ कोर्स आई रिक्वेस्ट ऑल चिल्ड्रन कि एटलीस्ट बी वेरी क्लोज टू योर पेरेंट्स, बी लाइक योर फ्रेंड्स. जो कुछ भी आपके मन में है, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो, टॉक टू योर पेरेंट्स. नन अदर देन पेरेंट्स कैन सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम. किसी भी लाइफ के पॉइंट पे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, बी इट गुड और बैड, only your parents are there to support you and help you, and they will only take you out from that problem. That is very important. Secondly, ma'am, dekhiye humko bhi change accept karna hai as a parent. Hame bacche ko hum shayad us cheez ko isliye nahi samajh pa rahe hain because Kashmir mein jab hum rehte the to life entirely different thi, ma'am. It was entirely different. We were living in a different world.
आई मस्ट से, इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना पता नहीं था हम लोगों को, इतने ज्यादा ओबीडियंट थे हम, बोलते हमें बोलते थे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ. बट नाउ टाइम चेंज हो गया, बदलाव आ गया लाइफ में, पेरेंट को भी जरूरत है बच्चे को समझने की. समटाइम्स ऐसा भी है कि पेरेंट्स भी हमारे, बच्चे भी हमारे को राह दिखाते हैं, दे सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वाइस वर्सा. तो हमें भी समझना चाहिए कि बच्चा कहाँ, कहीं ना कहीं वो भी सही बोल रहा है. सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड देम. जब हम ये चीज को समझेंगे कि हमें अपने बच्चे को समझना है, मैम दैट टाइम इज नॉट वेरी फार कि बच्चा आपका फ्रेंड बनेगा, वो हर एक प्रॉब्लम आपकी शेयर करेगा. सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं मैम बताऊंगी क्यों हम दूर हो जाते हैं बच्चों से, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं काउंसलिंग में भी शेयर करती हूँ. आप देखिए आजकल हमारे पास टाइम बहुत कम होता है पेरेंट्स के पास, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग. जब बच्चा छोटा होता है वो आके स्कूल से आता है, हमारे साथ हर एक चीज शेयर करता है, एंड वी हैप्पीली लिसन टू हिम, एंड उसको बोलते भी अच्छा बेटा ऐसा नहीं करना, हम उसको गलत और सही की पहचान समझाते हैं. नाउ अगर जब ये बच्चा बड़ा होता है, हमारा टाइम कम होता जाता है, हम सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया अब हमें इसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, वो कुछ बोलता है हम उसको बोलते हैं अच्छा आज नहीं कल सुनूंगी, हम उसको इग्नोर करते हैं. देखिए मैम ये कहाँ पे आता है, बच्चा क्यों नहीं सुनता है, ये एक मेजर एस्पेक्ट है जो एक पेरेंट को समझना पड़ेगा. गलती हमारे अंदर है, बच्चा तो हमारा ही है ना, अपब्रिंगिंग हमारी है, कहीं ना कहीं तो गलती है. ये बच्चा आया आप मेरे को बोला मम्मा मेरे को ये हुआ स्कूल में, ये हुआ, मैं इसको इग्नोर कर लेती हूँ. एक बार इग्नोर हो गया बच्चा, चलो ठीक है, दो बार हो गया, जब तीसरी बार चौथी बार करते साइकोलॉजी कहती है बच्चा कोई और रास्ता ढूंढ लेता है अपना वो सब सुनाने के लिए, तो वो कोई और कंधा ढूंढेगा, वो अपना चाहे अच्छा है चाहे बुरा है वो किसी और के साथ शेयर करेगा अगर पेरेंट नहीं सुनेगा. ये एक सबसे बड़ा ट्रेट है हमारा काउंसलिंग का, जहां पे हमें ये लगता है कि पेरेंट और बच्चा दूर क्यों होते हैं आपस में. नाउ यही बच्चा अब जब इसको लगा मेरे पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात, तो कहीं ना कहीं वो बाहर ऑप्शंस तलाश करना शुरू करता है. कल को वो बच्चा कुछ ऐसा करता जो पेरेंट को नागवार होता, तीसरा बंदा आके पेरेंट को बोलता आपके बच्चे ने ऐसा किया. नाउ यहाँ पे एक पेरेंट की समझदारी बहुत मैटर करती है मैम. मान लीजिए उसने स्मोक कर लिया बाहर, आप पहले ही उस पर मत चढ़िए उस बच्चे पे, कहीं ना कहीं गलती हमारी है, उसने ऐसा किया. पहले वो अगर ऐसा भी करता वो आके सुना देता, आप सुनते, आप बोलते अच्छा ठीक है बेटा स्मोकिंग इज नॉट गुड, तो प्लीज इसको आगे कंटिन्यू मत कर. लेकिन हमने वो गैप बना लिया है, अब हम अगर उसको बोलेंगे तो उसको पेरेंट से बड़ा दुश्मन ही कोई नहीं लगता. सो कहीं ना कहीं हमें अपनी शुरुआत से देखना है गलती कहाँ हुई. तभी मैंने एक मैसेज दिया उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो ये चीज अभी से समझे तो वो गैप खत्म हो जाएगा. तो वो गैप खत्म करने के लिए अभी जो कोविड में हमने देखा है कि बच्चों के ऊपर जो की है बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है, बिकॉज दे हैव बीन यू नो शट इन अ वेरी क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में वो आ गए हैं, जहां से उनकी फ्रीडम ही खत्म हो गई है, उनका प्ले वे मेथड सारा चला गया है, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद देयर पीर ग्रुप, सो दे आर एनक्लोज्ड एट अ प्लेस. इसमें जो की है बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज की हैं, अभी जो की है वो अपने करियर के लिए बाहर भी निकल आए हैं. उसमें जो की है पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ ज्यादा रही कम रही, इसमें आपकी कैसी और क्या एक्सपीरियंस? देखिए मैम लॉकडाउन कोविड ने तो पूरी वर्ल्ड को शट कर लिया. It was not only for Indian students or parents or anyone. It was for the whole world. Now, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो किया है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा suicidal cases बढ़ गए थे J&K में. So, देखिए यहाँ पे हमें एक अगेन साइकोलॉजी समझनी है. एक बच्चा जो सुबह निकलता था अपने पीर के साथ आधा दिन स्कूल में गुजार के अपने बच्चों क्लासमेट्स के साथ घूमता था फिरता था, जो कि उसका इस टाइम एक्चुअल वो होना चाहिए था, वो एकदम से बंद हो गया, वो एक पिंजरे में बंद हो गया. मैम हम बच्चे हम बड़े हैं, हमने फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वी कुड अंडरस्टैंड डूज एंड डोंट्स एंड इसके क्या इफेक्ट्स है अगर हम बाहर जाएंगे. बच्चा वो नहीं समझता है, उसका मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक कमरे में बंद रह के क्या करे.
उसके लिए आपने इन दिनों में जैसे काउंसलिंग आप कर रहे थे, आप भी तो घर पे ही रहे होंगे, आपका भी बंद ही रहा होगा इंस्टीट्यूट या आपकी एक्टिविटीज भी बंद रही होंगी, तो हाउ डिड यू कम अक्रॉस सच, डिड यू एवर कम अक्रॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड any students, any parents, you know, with complaints and all that, what is happening? First of all, so as a parent, I came across such kind of problems because my daughter is studying outside. वो कॉलेज से आई, एकदम से बंद हो गई घर में, तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक, शी वॉज लाइक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, मामा मैं बोर हो रही, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को, ऑब्वियसली देयर नथिंग टू डू, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस का भी नहीं पता था, तो उसके कई सारे फ्रेंड्स, उसके कई सारे चैनलाइज्ड जो उसके स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, दे ऑल वेर लाइक, तो मैं उनको ग्रुप्स में काउंसलिंग करती थी, अपनी डॉटर को रात रात भर बैठ के मैं काउंसलिंग करती थी, बेटा सी दिस इज अ टाइम वी हैव टू यू नो फेस एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑप्शंस टू कीप आवरसेल्फ बिजी. अब ये एक पेरेंट की ही यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को ना, कि हम उस पर यल करें, ठीक है, मैंने भी शायद एज अ पेरेंट कई बार ऐसा किया, बट देन सेकेंड मोमेंट पे मैं सोचती थी नहीं, ये इसका कसूर ही नहीं है. देन व्हाट वी डिड, मी एंड माय हस्बैंड, आई सेड नहीं, इसके साथ हम खेलेंगे, वी बॉट सम प्लेइंग कार्ड्स, फिर कभी कोई सांप सीढ़ी, कभी कुछ, वी ट्राइड टू मेक हर यू नो बिजी विद सर्टेन थिंग्स. चलो वो तो बड़ी थी थोड़ी सी, बट फॉर यंगर चिल्ड्रन इट वॉज डिफिकल्ट, एंड ऐसा नहीं है पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट था, but then more of it was parents who could you know make it possible to take their children out of this. abhi bhi bacche ghar mein hi hai mostly, abhi bhi bahut sare parents jaise call karte hain, nahi ye hamari sunte nahi hai, ye nahi karte hain, aise nahi karte, so I always suggest them, dekhiye aap aisa kuch system banaiye jisme bachcha apne aap involve hone lage. like I involved her in cooking, acha chal aaj kuch aisa banate hain, aaj aisa kuch karte hain. This is most of the parents did, but कई सारे नहीं कर पाए शायद. And लड़कों के लिए शायद cooking was not possible. लड़कियां तो चलो involved हो जाती, लड़कों के लिए कुछ ऐसा, मैंने कई सारे parents को बोला इनको ऐसी कुछ gardening करिए घर में, इनको involved करिए. That was the actual time when we could have you know socially उनको bound करिए, not of phones पे ही सही, उनको समझाइए अपने customs, अपने cultures, because they were bound एक ही कमरे में रह रहे थे. So that was the best time when we could actually talk about religious things, अपने customs के बारे में, अपने culture के बारे में, कुछ ऐसा activity करिए घर में जिसमें उनको पता चले कि अच्छा ये भी हमारा custom है. छोटे बच्चों को कुछ ऐसी activities दे दीजिए, that was the only possibility. That could, otherwise क्या हुआ, जो बच्चे stress ले भी नहीं पाए, पता ही नहीं exam कब होगा, क्या होगा, syllabus का क्या होगा, कई सारे ऐसे केसेस हुए अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मिसहैपनिंग्स भी हुई. तो कुल मिला के मैम बात यही है, अ स्कूल, अ पेरेंट एंड अ काउंसलर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एंड उससे सोसाइटी बेटर बन सकती है. दैट्स व्हाट आई बिलीव, वी ऑल शुड कम टुगेदर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड यू नो ओवरकम दीज काइंड ऑफ सिचुएशन. सुनीता जी, द आइडिया बिहाइंड दिस सेशन इज that the message that you will give to the parents and the children together, because it's not khali bacche ki baat nahi hai, khali parent ki baat nahi hai, dono bacche aur parent in ko milke karna hai, and the teacher online, no doubt online bhi activities ho rahi hai, they say so many activities are happening, the schools are giving them, you know, they are giving them tasks, they are giving them cultural activities, everything is being given to the child, but still the child denies. He, but wo kya karta hai ki wo on karke rakh deta hai apna class time ke upar, class time pe kya karta hai, wo on kar deta hai aur khud masti kar raha hota hai, bachcha is not present there. And dekhiye wo to sabse bada challenge tha schools ke liye bhi, teachers ke liye bhi, parents ke liye bhi, because online culture mein hum kabhi used to nahi the. Then they were not इतने अच्छे क्या कहते हैं ना, स्कूल्स में अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस भी नहीं थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस को वैसे करें. ग्रेजुअली अभी हम थोड़ा सा यूज्ड हो गए, बट यहाँ पे टीचर्स को बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है. एक्टिविटीज देते हैं, वो ऑफलाइन एक्टिविटीज हो गई, ऑनलाइन अगर एक क्लास चल रही है, बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर टेलिंग देम कि वीडियो ऑन करिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड अ पेरेंट नीड्स टू मॉनिटर दैट. Exactly, that is the thing that I want you to tell the parents exactly what is to be done. क्या कहते हैं ना, देखिए हम
हर एक चीज स्कूल पे थ्रो नहीं कर सकते। एक टीचर के लिए कितना चैलेंजिंग है ऑनलाइन क्लास, मैं बताती हूँ आपको। पेरेंट उसके सामने बैठा है, उसको इतना डर रहता है मैं ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं कहीं कोई गलती ना हो जाए, पेरेंट आके मेरे शिकायत कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंड कि पेरेंट ने शिकायत कर ली, बट पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए टीचर वॉज नॉट यूज टू ऑल दिस। वो तो सामने बैठ के बच्चे को पढ़ाता था, ही यूज टू गिव हिज और हर बेस्ट, बट ऑनलाइन में उसके लिए भी चैलेंजेस उतनी ही है, कभी नेट अच्छे से नहीं चल रहा। एंड खासकर जे एंड के इनके टीचर्स के लिए इट वॉज अगेन चैलेंजिंग, हमारे नेट इश्यूज मोस्टली रहते ही हैं, तो उसमें पेरेंट को बल्कि सपोर्टिव रहना चाहिए। इट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स अगेन हु कैन मेक इट हैपन कि दे मेक श्योर कि बच्चा क्लास अटेंटिवली अटेंड करता है। वो कैसे होगा अगर टीचर पढ़ा रहा है, पेरेंट को मेक श्योर करना है कि बच्चे ने वीडियो ऑन किया है कि नहीं किया है, उसको मैसेज कर लीजिए so that she makes it sure, उसकी attendance कम कर लीजिए बच्चे की, automatically the things will change. कभी कभी तो बच्चे के लिए harsh भी होना पड़ेगा आपको, that's very, because that's for his betterment. जब तक हम उसकी betterment के लिए थोड़े से harsh नहीं होंगे तब चीजें सही नहीं होंगी। As a counselor आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया होगा, उसके बारे में बताइए। मैम मैंने ऑल अक्रॉस इंडिया में काउंसलिंग करती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ प्रेजेंटेशंस के लिए। आई हैव ट्रैवल्ड लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया एंड इस लॉकडाउन में अभी हमने वी हैव शेयर्ड आवर प्रपोजल्स टू इंटरनेशनल स्कूल्स ऑल्सो वेर इन वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स नाउ फॉर्चुनेटली। एंड सेकेंडली मैंने जे एंड के में बहुत ज़्यादा काम किया है ड्यूरिंग उड़ान प्रोजेक्ट विच वॉज फॉर कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। That was it was a government assignment. Actually, that is NSDC and Ministry of HRD का जो initiative था, that was just to overcome the unemployment of our state. उस time I travelled all across J&K, हर state में मैं गई. I had tied up with some corporates also. Kashmir University ne mujhe opportunity di, they were very keen ki main colleges mein ja ke bachon ko educate karun us bare mein, main unko counseling karun why they should take udan part in udan drive so that they could be benefited with that and they could get better jobs. But unfortunately wahan bhi ek bada twist aata hai hamare J&K mein. There are three segments in our J&K students, अगर मैं college students की बात करूँ, one is हमारा कश्मीरी पंडित student जिसको अपना focus पता है मुझे क्या करना है, but वहाँ पे क्या हो जाता है वही जो चीज मैंने आपको बोला 95% of graduates are not capable of jobs. दो ही segments चुने जाते हैं कि या तो यहाँ, क्योंकि उसमें भी हमारा they prefer to go to Maharashtra for their engineering and all. Fine, I don't disagree to that. That's good for us क्योंकि opportunity मिली है तो we should not waste that. But at the same time, every child and parent should understand ki, is that only option for the child or there are certain other options they can, unfold that, option. And secondly, ek wahi destination nahi hai. There are a lot of other options available if we explore. Second is Jammu ka jo local bacha hai, wo ye sochta hai mujhe graduation karni hai, I don't have to go away. I'll wait till 3-4 years जब तक मुझे government job का opportunity नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं अपना experience share करूँगी। I somehow came across a case, एक बच्चा आया मेरे पास, he passed out from NIT Srinagar in 2013। okay. Computer engineering किया उन्होंने and 2013 में वो pass out हुआ। He and his parents came to me in 2017, so the gap was huge. कि इसको जॉब का पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रही है जॉब, क्या करें वो नहीं है, आप थोड़ा काउंसलिंग करिए इसको, ही इज नॉट ट्राइंग टू जो गवर्नमेंट जॉब, इसको मिल नहीं रही है, इट हैज बीन सो लॉन्ग नाउ. तो व्हेन आई टॉक टू हिम फ्रॉम 2013 टू 2017 उस बच्चे ने एक भी इंटरव्यू नहीं फेस किया था, which was like कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी थी आपको. That's why I'm saying अभी what happening is choosing a career is creating misfits in the industry. That's what is happening actually. Right. अब उस बच्चे ने because he was not interested in that subject, that was very unfortunate. Although he did it from a very reputed institute, agreed. But क्या करें उस चीज का जो 2013 से 17 तक उसने एक इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं किया
क्वालिफाई का फेस ही नहीं किया, मुझे करना ही नहीं है. एंड दोज ऑब्वियसली ग्राफ अप होता है, बच्चे का एज बढ़ता है तो पेरेंट का भी बढ़ता है. विद टाइम दोनों का एज बढ़ने के साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है. पेरेंट थोड़ा वरी हो जाता है, अभी इसको जॉब नहीं मिलेगी तो आगे क्या करेगा. तभी मैंने पहले बोला आपको कि ये एक डिसीजन आपके अगले 40 साल डिसाइड करता है. जो एक हर एक पेरेंट को समझना पड़ेगा, इफ अ टिल्ट हियर और अ देयर विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन. एक चीज जो की है मेरे माइंड में आई है, आप काउंसलिंग करते हो, मतलब यू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बेटर फॉर यू. मान लीजिए कि समटाइम्स इट फेल्स योर काउंसलिंग, इट डजंट कम थ्रू, व्हाट देन? देखिए मैम, काउंसलिंग इज जस्ट टू शो देम अ वे. फेल भी हो सकती है, आई डोंट डिनाई दैट, बट व्हाट वी ट्राई इज वी ट्राई आवर बेस्ट कि 99.9% बच्चे को एक अच्छा सपोर्ट मिले हमारी तरफ से. सो वी सेग्रीगेटेड इन थ्री वेज, वी गिव हिम थ्री चॉइसेस. वी डोंट टेल हिम कि एक ही आप अपने पास ऑप्शन रखिए. सो अगेन व्हाट विल हैपन इज ही'ल एंड अप हैविंग नथिंग इन हिज हैंड. सो वी गिव हिम थ्री चॉइसेस, ड्रीम, रीच एंड सेफ. ड्रीम इज लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जो आईपीएस आईएएस केएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम द कॉम्पिटिशन लेवल इज हाई. तो तैयारी उस तरीके से करनी है. 5% चांस है बच्चा करेगा, बट 5% तो है. आई डोंट गाइड और सजेस्ट हिम यू लीव दिस, यू कैन नॉट डू इट. आई टेल हिम एनीथिंग विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट यू विल डू इट. सेकेंड इज वो कहता है नहीं, अगर मुझे आईएएस केएएस नहीं मिलता है देन आई विल चूज समथिंग रिलेटेड टू अपना गवर्नमेंट जॉब जेएंडके में या एनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. फाइन इनफ, द अप्रोच शुड बी राइट. देन थर्ड इज इफ ही डजंट गेट ड्रीम, ही डजंट गेट रीच, देन वेयर इज दिस सेफ, व्हाट इज दिस सेफ? सेफ मींस 99. हम लक, मैं यहां पे लक पे सिर्फ 0.2% कहती हूं, बिकॉज अगर हम हार्डवर्क करते हैं, एक प्लान अच्छे से करते हैं, लक आपके साथ चलता है. ऐसा नहीं है कि लक साथ नहीं चलता. हार्डवर्क जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, क्योंकि एज अ सेइंग गोज, अगर ये हमारे बहुत ही अच्छे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा है, अगर आपका ईसीजी में भी लाइन सिंगल आती है तो द पर्सन इज डेड. अगर हम भी स्मूथली चलेंगे तो विल नॉट फाइंड आउट व्हाट वाज द स्ट्रगल पीरियड. उस स्ट्रगल पीरियड से आप अपने उस करियर पाथ को समझते हो. सो सेफ में आई गिव हिम 99.99% जो उसको मिलेगा ही मिलेगा. सो वी सेग्रीगेट इन सच अ वे, इफ नॉट दिस व्हाट नेक्स्ट, इफ नॉट दिस व्हाट नेक्स्ट, व्हिच मींस हैविंग थ्री ऑप्शंस इज इन हैंड, ही इज सेफ टू ड्राइव इनटू दैट ओशन. वेरी नाइस, वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड इट. एंड आई होप कि हमारे जो कि है व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, जिन तक भी ये बातें पहुंची हैं, दे विल टेक द राइट थिंग्स आउट, चूज द राइट थिंग्स आउट ऑफ इट एंड मेक देयर करियर रियली शाइन. थैंक यू सुनीता जी फॉर बीइंग विद अस. इट हैज़ बीन अ ग्रेट सेशन एंड अ फ्रूटफुल वन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम, थैंक यू भारती मैम. आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड टीआरएन, इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट कि जितने भी पेरेंट्स और बच्चे हैं इस चीज को समझे. देर आर अगेन एग्जाम्पल, थ्री इडियट्स आई, आपके मुन्ना भाई MBBS आई. पिक्चर शुड नॉट बी वॉच्ड फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट, देर इज अ लर्निंग इन एवरीथिंग. देर इज अ लर्निंग, तो वो लर्निंग्स को भी सीखना पड़ेगा. जहां पे फरहान अख्तर ने अपने पापा को बोला था, पापा आई डोंट केयर व्हाट कपूर साहब विल थिंक अबाउट मी, इन द सेम वे आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स, डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल शर्मा जी, कौल साहब, गुप्ता जी और रैना साहब थिंक अबाउट योर चाइल्ड एंड यू. इट्स योर चाइल्ड एंड यू हु विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर योर चाइल्ड एंड व्हाट इज नॉट. Exactly. So, मुन्ना भाई MBBS की एग्जाम्पल लीजिए. एनी चाइल्ड हु कम्स टू मी सेइंग दैट मैम मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, दो मिनट के लिए मेरे ऑफिस में लाइट बंद हो जाती है, वहाँ एक तोबा मचा देता है मैम. सो डू यू थिंक ही और शी इज अ फिट कैंडिडेट फॉर सिविल इंजीनियरिंग? नो, एग्जैक्टली नॉट. Because a civil engineer has to stand in 45 degree temperature for the construction, whatever, or in minus 40 degree temperature in Leh Ladakh and get constructions done. Right. So that is where counseling is very important, to understand what is your personality and what skills you have so that you can make a better career.
थैंक यू सो मच. थैंक यू सुनीता जी.